रुआई होती है धान की, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हर सिटी बजने के बाद एक बंदा जो है एलिमिनेट हो जाएगा। और MMJ Vibes चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने मोबाइल पे ये वाला बटन दबाएं और हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल पे क्लिक करें। तो भाई हम दोबारा आप जा रहे हैं उस स्कूल में जहाँ से अभी हम देख के आए थे थोड़ी देर पहले। वहाँ पे एक फंक्शन हो रहा है ज्योतिबा फुले की वाइफ सावित्रीबाई फुले की स्मृति में। तो गाइज मैं अभी हूँ यहाँ पे, एक बहुत ही इंटीरियर एरिया है, ये बहुत ही प्यारा स्कूल है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कितना सही यहाँ का एनवायरनमेंट है। बिल्कुल पहाड़ी से सटा हुआ है ये, एकदम गांव के बीचों बीच ये स्कूल है। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रतिनिधि यांचे स्वागत, श्री मंगलमारे सरकार की दशमी त्यांना विनंती करतो। सावित्रीबाई फुले यांच्या आईचे नाव लक्ष्मीबाई, स्त्रियांना कधीच नव्हता शिक्षणाचा अधिकार। यहाँ के लोगों की जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो खेतीबाड़ी है, और अच्छा प्रोग्रेसिव है। मतलब जितना इंटीरियर ये है वैसा है नहीं, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज है। अभी जो है धान की खेती ये लोग लगा चुके हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये प्लेन एरिया नहीं है, तो यहाँ की जो रुआई होती है धान की वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो तो चलो यार मैं मंदी टोला का दवाखाना आप लोगों को दिखाता हूँ। बढ़िया दवाखाना है भाई, दवाखाना का एम्बियंस देखो आप कितना सही है। अभी बंद है आज, लेकिन अच्छा है, प्रॉपर एक गांव में एक दवाखाना है, मस्त है। चलो जरा लोगों से भी बात करके देखते हैं। दवाखाने में दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं? सही रहता है सब? जानवर वनवर अगर काट ले तो उसकी दवाइयाँ भी मिलती हैं यहाँ पे? हाँ, इधर आओ, तुम्हें हिंदी आती है? इधर आओ, किसको आती है हिंदी? हिंदी हिंदी आती है? मराठी। अच्छा, आपको आती है हिंदी? सब मराठी हैं यहाँ पे। क्या होने वाला है, गेम्स? अच्छा चलो, मेन अट्रैक्शन तो अब होने वाला है यहाँ पे होने वाला है गेम्स। तो चलो मैं गेम दिखाता हूँ आप लोगों को। तो भाई अभी एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है यहाँ पे। लेडीज़ों का पूरा का पूरा सारा कार्यक्रम लेडीज़ों का है, तो यहाँ पे चेयर रेस होने वाली। इंटरेस्टिंग है यार। संगीत कुर्ती है, म्यूजिकल चेयर। अच्छा म्यूजिकल चेयर है। उसके बाद फिर 100 मीटर रेस है, 100 मीटर रेस। और फिर चमचा गुड़ी है। चमचा गुड़ी क्या चीज़ हो? मुँह में रख के चम्मच नहीं क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर अपने कबड्डी के सब। अच्छा, उसके बाद कबड्डी। तो गाइस ये इस गेम का नाम है म्यूजिकल चेयर। तो इस गेम का रूल ये है कि ये लोग घूमते रहेंगे इस साइड से, और जैसे ही सीटी बजेगी तो इनको जाके चेयर पकड़नी है, और जो नहीं पकड़ पाया वो बाहर हो जाएगा। दोस्तों वैसे तो इस गेम का नाम जो है म्यूजिकल चेयर है, बट यहाँ पे सिटी से काम चला जा रहा है क्योंकि म्यूजिक की व्यवस्था शायद नहीं थी। इस गेम में रूल ये कि जितने ये लेडीज लोग भाग रहे हैं इनको एक सिटी बजते ही तुरंत जाके वो कुर्सी पकड़नी दी है, और जितने कैंडिडेट भाग रहे होंगे उनमें से एक कम हमेशा कुर्सी रहेगा। इसका मतलब कि अगर 10 लोग भाग रहे हैं तो 9 ही कुर्सियां होंगी। हर सिटी बजने के बाद एक बंदा जो है एलिमिनेट हो जाएगा, और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक 2 कैंडिडेट लास्ट में बचे ना रहते हैं, और उनके बाद उनमें से विनर और रनर अप को चूज किया जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है ना, मुझे पता है आप लोगों को पता है गेम, बट आपने गारंटी देके बता रहा हूँ कि कभी भी साड़ी पहने हुए आदिवासी गांव की औरतों को ऐसे खेलते हुए नहीं देखा होगा। हैट्स ऑफ है भाई, गुड जी भागो। अब सिर्फ 3 लेडीज रह गई हैं और इसमें है 2 चेयर। आई गेस जो उस साइड में और इस साइड में जो यहाँ और यहाँ होंगे उनको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी, वो फायदे में रहेंगे। ओहो, तो अब सिर्फ 2 जने रह गए, इसमें से विनर चूज किया जाएगा। अच्छा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसमें क्या होगा, जो रुमाल छीन लेंगे वो। अच्छा अच्छा अच्छा, लास्ट में इसमें वो नहीं है, चेयर नहीं है, जो रुमाल पकड़ लेंगी वो जीत जाएंगी। बहुत ही सही। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love.
peace. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't. और इसके बाद शायद से कबड्डी कबड्डी होगी, इसके बाद देखेंगे हम कबड्डी महिलाओं की। और इतनी मेहनत करने के बाद बच्चे लोगों के लिए बहुत बढ़िया मसाला भात यहाँ पे बनाया गया है। मसाला भात मतलब फ्राइड राइस टाइप का, एक पुलाव टाइप का समझ लो। तो बच्चे यहाँ पे बैठ के सब खा रहे हैं। हेलो बच्चों, हेलो, बहुत बढ़िया, सारे लोग हेलो बोल रहे हैं। तो भाई यहाँ पे हम भी बैठ के खा रहे हैं मसाला भात। दिखाता हूँ मैं आपको कैसा है मसाला भात। तो अभी कबड्डी का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तो चलो देखते हैं कबड्डी, महिलाओं की कबड्डी। कबड्डी हो रही है ना, या खो खो है या कबड्डी है? कबड्डी ही है। बहुत ही सही सीन है यहाँ पे, कबड्डी का पूरा मंच सज चुका है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलो मैं एक बार मैं इनकरेज करने की कोशिश करता हूँ सारे लोगों को, देखते हैं यहाँ के लोग खेलेंगे। अरे कबड्डी जो खेलेंगे, आ जाओ मैदान में, सभी खेलने वाले हैं ना, सारे लोग खेलेंगे। सही है भाई, अभी दो टीमें बन चुकी है, दो टीमों के बीच में जबरदस्त महिलाएं यहाँ पे कबड्डी खेलेंगी। बहुत ही औसम भी हो रहा है, मैं बड़ा ही एक्साइटिंग हूँ। चलो देखते हैं, ये टीम नंबर वन है और ये है टीम नंबर टू। कितने लोग हैं? तीन, तीन छः, सात जने। समझ के लड़ियो, बस छोरी समझ के ना लड़ियो। निकर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, निकर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो। बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़ के पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। कल से इसकी भी उतारनी पड़ेगी। तो गाइज आज का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे आके, ज़बरदस्त, मतलब रेयर था यार, ये ऐसी चीज़ें ना बहुत कम देखने को मिलती हैं। और इन लोगों का जो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके कितना बढ़िया, मतलब जैसे यहाँ पे औरतें कबड्डी खेल रही हैं यार, नहीं देखा जाता हमारे इधर। मेरे गाँव में पहले कभी खेला जाता होगा, बट औरतें मैंने आज तक नहीं देखा जो कि कबड्डी खेलती हों, और वो भी साड़ी पहन के। दैट वॉज ऑसम यार, मतलब इतना ज़बरदस्त लगा मुझे, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, देखते हैं क्या हमको नई चीज़ एक्सप्लोर करता हूँ यहाँ पे आके। तब तक के लिए साइन ऑफ।